हेलो दोस्तों, चलिए तो इस लेक्चर में एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है कि अभी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP से बाहर होने की घोषणा की है भारत ने। RCEP से बाहर रहना भारत का देश हित में बड़ा फैसला। भारत सहित कुल 16 देशों के उभरते संगठन RCEP के सम्मेलन में समझौते से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने इस आधार पर अपनी जीत बताई कि पार्टी समझौते के खिलाफ थी। राजनीति में श्रेय लेने की होड़ चलती रहती है, लेकिन इसे मोदी का दृढ़ प्रतिज्ञ होना नहीं कहा जा सक जाएगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही उन्होंने इसकी सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी थी। भारत का शक्तिशाली मित्र देश जापान भी भारत को शामिल होने का आग्रह कर रहा था। RCEP समझौते की शुरुआत मनमोहन सिंह UPA 2 के कार्यकाल में 2012 में की गई थी। इस ताज़ा समझौते में भारत के शामिल ना होने पर अब इसमें आसियान के 10 देश सहित चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया रहेंगे। भारत समझौता करता तो देश चीनी उत्पादों में से पट जाता, साथ ही ऑस्ट्रेलिया सस्ते कृषि उत्पादों से और न्यूजीलैंड दुग्ध उत्पादों से भारतीय किसानों की कमर तोड़ देते। मोदी का यह फैसला साहसिक और निस्वार्थ इसलिए भी है क्योंकि वह एक वैश्विक नेता के रूप में उभर रहे हैं। भारत के ना रहने पर चीन इस संगठन का एक छत्र नेता बन जाएगा। आज की स्थिति में चीन से भारत का यह घाटा सर्वाधिक 53.5 बिलियन डॉलर का है, आसियान से 21.8 बिलियन का, दक्षिण कोरिया से 12.1 बिलियन का, ऑस्ट्रेलिया से 9.6 बिलियन का और जापान से 7.9 बिलियन का और न्यूजीलैंड से 0.2 बिलियन का। दूसरा, चीन ने यह भी डर भी था कि वह सीधे नहीं तो अन्य देशों के रास्ते अपना उत्पाद भारत में डंप करने लगता, लेकिन हम इस समझौते से बाहर होने की मूल मजबूरी भी समझनी होगी। आखिर क्यों हमारे उत्पाद विश्व बाजार में खड़े नहीं हो पा रहे? क्यों भारत में के कृषि प्रधान होने के बावजूद हमारे कोस दूर बैठा ऑस्ट्रेलिया हमें सस्ता गेहूं वहां करा मुहैया कराता है? क्या गाय हमारी माता होने के बावजूद न्यूजीलैंड चौथाई दर पर हमें दूध उपलब्ध कराने में सक्षम है? हमें देश में इफरात अनाज और दूध पैदा हो रहा है, लेकिन अधिक लागत के कारण वैश्विक बाजार में बेचने लायक नहीं है। जितनी जल्द हम अपनी लागत कम करेंगे, उतनी ही तेज़ी से हम अपना माल दुनिया में बेच सकेंगे, तब अपनी शर्तों पर भारत का उपभोक्ता बाजार खोल सकेंगे। चलिए तो ये था एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल।